हरियाणा का सोनीपत शहर दिल्ली एनसीआर का तेजी से डेवलप होने वाला शहर है, जहां दिल्ली जैसी सारी सुख सुविधाएं होंगी। लेकिन पिछले कई दशकों में सोनीपत कई अपराधों के लिए सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे वो सुरंग खोदकर बैंक लूट लेने वाला अपराध हो या फिर जाति के नाम पर मोहल्ले के मोहल्ले जला देने वाले सांप्रदायिक हत्या, जिसने पूरे मीडिया में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन आज का ये केस सोनीपत के ऐसे केस से जुड़ा है जो शुरू तो बहुत नाटकीय अंदाज में हुआ और देखते ही देखते कई चौंका देने वाले रहस्य खड़े करने लगा। ये कहानी है यमुनानगर के जगाधरी में प्लाईवुड व्यापारी योगेश बत्रा की। कहानी की शुरुआत होती है योगेश बत्रा के बुजुर्ग माँ बाप से, जब योगेश बत्रा की माँ को बुरे सपने आने लगते हैं। कई बार सपने में योगेश उन्हें परेशान और जान की भीख मांगता दिखाई देता है। दरअसल 4 महीने पहले ही योगेश बत्रा की 27 मई 2016 की रात को संदेहजनक मृत्यु हो जाती है। अब 4 महीने बाद योगेश बत्रा के बुजुर्ग माँ बाप को ऐसे सपने रात रात भर सोने नहीं देते। अगले ही दिन ये बुजुर्ग दंपत्ति एक ऐसा फैसला लेता है जिससे रातों रात हुए हार्ट अटैक से ये आम जैसी दिखने वाली मौत एक बेहद पेचीदा मर्डर मिस्ट्री में तब्दील होने वाली थी, जिसके राज खुलते खुलते पूरे 8 महीने लग जाते। ये फैसला था मामले की जांच एक प्राइवेट डिटेक्टिव से करवाना। बत्रा परिवार के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, प्लाईवुड के साथ दूसरे और कई सारे कारोबार और अरबों की दौलत, लेकिन कुछ तो था जिससे परिवार बिल्कुल खुश नहीं था। अगले ही दिन अब ये बुजुर्ग दंपत्ति यमुनानगर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद योगेश बत्रा के पिता अपने ही बहू के खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं। योगेश बत्रा की माँ ये बयान देती है कि उन्हें रोज उनके सपने में उनका बेटा आता है जो जान की भीख मांगता रहता है। हालांकि रिपोर्ट लिखने से पहले पुलिस उन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को ये समझाने की कोशिश करती है कि किसी के सपने में आ जाने से या किसी के लगने से कोई भी आरोपी साबित नहीं होता, पर योगेश बत्रा की माँ अपनी बहू प्रियंका बत्रा के बारे में बयान लिखाती है कि हमारी बहू प्रियंका बत्रा एक शातिर और बहुत चालाक औरत है, उसने हमारे इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार दिया। 28 मई 2016 को हमारी बहू प्रियंका हमें कॉल करती है और बताती है कि योगेश एक रात पहले ही हार्ट अटैक से मर चुका है। जब तक हम उसके घर पहुंचते हैं तब तक प्रियंका पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती है और यही कहती रहती है कि योगेश को एक रात पहले हार्ट अटैक आया था। पहले तो हमें भी यकीन करना पड़ा क्योंकि प्रियंका ने सबको यही बता रखा था कि योगेश की मौत नेचुरल है, उसे हार्ट अटैक आया था। पुलिस उनसे बीच में ही रोककर ये सवाल करती है कि अगर उन्हें अपनी बहू पर पहले से ही शक था तो उन्होंने पहले पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करवाया। इस पर ये बुजुर्ग दंपत्ति कहता है कि अपने बेटे के खोने से वो बहुत बड़े शॉक में चले गए थे, उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था और इसीलिए उन्हें भी अपनी बहू पर यकीन करना पड़ा और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब जाकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके बेटे की मौत एक बहुत बड़ी साजिश है जो उनकी बहू ने रचा था। प्रियंका जो उनकी बहू थी उसने पहले से ही उनके बेटे की अंतिम संस्कार की सारी तैयारी कर रखी थी। अब पुलिस तो FIR तो लिख लेती है, पर अब पुलिस के पास भी पोस्टमार्टम की कोई गुंजाइश नहीं रहती क्योंकि बॉडी की अंतिम संस्कार तो पहले ही हो चुकी थी। योगेश के माँ बाप पुलिस को ये भी बताते हैं कि योगेश के मरने के बाद प्रियंका को कोई तकलीफ नहीं हुई थी, वो योगेश के बिजनेस को खुद आराम से संभालने लगी। प्रियंका का मकसद ही योगेश की प्रॉपर्टी हथियाना था और आजकल वो योगेश की कंपनी बत्रा टाइल्स एंड मार्बल्स की डायरेक्टर बन चुकी हैं। योगेश के माँ बाप ने पुलिस को ये भी बताया कि हमारी बहू कैरेक्टरलेस औरत है, उसका अफेयर पहले से ही किसी और आदमी के साथ चल रहा था जिसके बारे में योगेश ने हमें पहले ही बता दिया था।
योगेश को कोई और बीमारी नहीं थी, फिर भी हमारी बहू प्रियंका हमें लगातार ये बताती रही कि योगेश को हार्ट अटैक आया था, जिस पर हमें शुरू से ही शक था और इसीलिए हमने शहर के हर एक प्राइवेट डॉक्टर और क्लिनिक में पता करने की कोशिश की कि योगेश कहीं कोई हार्ट से रिलेटेड दवाई तो नहीं लेता था, पर हमारे हाथ कोई कुछ सुराग नहीं लगा। कंप्लेन लिखने के बाद अब पुलिस भी हरकत में आ जाती है और इसीलिए वो प्रियंका बत्रा को पुलिस स्टेशन पूछताछ करने के लिए बुलाती है। प्रियंका बत्रा भी सही समय पर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और अपना बयान दर्ज कराती है। वो कहती है, सर मेरे सास ससुर को मुझ पर शक करने की आदत है, वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, मैं उनके रोज रोज के ड्रामे से तंग आ चुकी हूँ। सच तो ये है कि मेरे सास ससुर को मैं कभी भी पसंद नहीं थी, पिछले 18 साल में उनकी नफरत मैं झेलते आ रही हूँ। मेरे पति मुझसे प्यार करते थे पर मेरे सास ससुर ने मुझे कभी भी नहीं अपनाया। मैं और योगेश एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, पहले मैं मिस कॉलेज चुनी गई फिर मिस दिल्ली, हम दोनों में प्यार हुआ और हम दोनों ने घर वालों को बिना बताए हुए शादी कर ली। बेटे के जिद के आगे मेरे सास ससुर ने उन्हें अपना तो लिया पर मुझे कभी नहीं अपना पाए। मेरी कास्ट अलग है और मेरे ब्यूटी क्वीन होने के बावजूद मेरे सास ससुर मुझे कभी भी एक माँ बाप का प्यार नहीं दे पाए। मैंने अपने पति के साथ अपना बिजनेस शुरू किया और मैं जल्दी ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन गई। ये बात मेरे सास ससुर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो घर छोड़कर अकेले रहने चले गए। प्रियंका के इस बयान के बाद पुलिस प्रियंका से उसके लव अफेयर के बारे में भी पूछताछ करती है, तो प्रियंका इस बात को अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करती है। प्रियंका बताती है कि योगेश को 27 मई की रात को हार्ट अटैक आया था और एम्बुलेंस के आते आते ही उनकी डेथ हो चुकी थी। पुलिस को दिए हुए अपने बयान पे प्रियंका कायम रहती है, पर पुलिस भी अब जल्द ही एक्शन में आ जाती है। जल्द ही पुलिस को ये पता चलता है कि योगेश के माँ बाप ने प्रियंका पर नजर बनाने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टर हायर किया हुआ था, यानी कि एक जासूस हायर किया था। योगेश की मौत के 4 महीने बाद जासूसों ने योगेश के माँ बाप को कुछ ऐसी तस्वीर लाकर दी जिनसे ये साबित हो जाता है कि प्रियंका कुछ छुपा रही थी। ये तस्वीर थी प्रियंका की किसी अनजान शख्स के साथ। इस तस्वीर में जिस तरीके से प्रियंका बत्रा एक शख्स के साथ दिखाई दे रही थी, उससे देखकर ये तो बताया जा सकता था कि दोनों के बीच ऐसा रिश्ता था जो जरूर छिपा हुआ था। ये तस्वीरें चंडीगढ़ में किसी डिस्को में ली गई थी, जिसमें प्रियंका एक शख्स के साथ ज्यादा ही क्लोज होकर पोज दे रही थी। अब प्रियंका के इन तस्वीरों ने पुलिस के भी कान खड़े कर दिए थे, क्योंकि प्रियंका एक अनजान शख्स के साथ कुछ ज्यादा ही करीब दिख रही थी। अगर ये तस्वीर योगेश के मौत के पहले की थी तो ये मामला पेचीदा हो सकता था, और अगर ये तस्वीर योगेश के मौत के बाद की थी तो ये मामला बेहद उलझा हुआ हो सकता था, और इसी उलझन को सुलझाते सुलझाते पुलिस योगेश के कातिलों तक जा पहुंची। इन फोटोज में प्रियंका किसी गैर मर्द के साथ बेहद इंटीमेट नजर आ रही थी और ये नजदीकी उनके बड़े बेटे योगेश की मौत का कारण हो सकती थी। लिहाजा बेटे के मौत के 4 महीने बाद ही बत्रा परिवार ने यमुनानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और एंड में पुलिस ने FIR भी लिख लिया था, लेकिन कई महीने गुजर जाने के बावजूद इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई और तब घर वालों ने जासूसों से मिली सबूतों को लेकर एक बार फिर FIR लिखवाया। इस बार FIR करनाल के CIA स्टाफ 2 को ट्रांसफर कर दी गई और इस बार जो नतीजा सामने आया वो सबको हैरान कर देता है। पुलिस की माने तो योगेश की कत्ल के पीछे न सिर्फ उनकी बीवी प्रियंका बत्रा का हाथ था, बल्कि प्रियंका ने ही अपने हाथों से अपने पति का जान लिया था। जी हाँ, प्रियंका ने अपने ही पति योगेश का कत्ल कर दिया था, वही योगेश जिससे 18 साल पहले उसने लव मैरिज किया था। लेकिन अब ये सवाल था कि आखिर प्रियंका ने ऐसा क्यों किया, आखिर प्रियंका को अपने पति से ऐसी क्या शिकायत थी। तो उसका जवाब ये था कि प्रियंका की जिंदगी में एक नया शख्स आ चुका था जिसका नाम था रोहित।
दरअसल उन दिनों प्रियंका अपना वेट लॉस करना चाहती थी और इसीलिए उसने जिम ज्वाइन किया था। जिम में उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर रोहित से हो जाती है और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। रोहित को चाहने के बाद प्रियंका को योगेश खटकने लगता है। हालांकि एक समय आता है जब योगेश को प्रियंका की हरकतों के बारे में पता चल जाता है। प्रियंका के नाजायज रिश्तों के बाद पता चलने के बाद योगेश और प्रियंका के बीच बहुत बार लड़ाई भी होती है। अब प्रियंका को इस बात का डर लगने लगता है कि योगेश कहीं उसे डिवोर्स ना दे दे, पूरी प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाती। प्रियंका ने हद तो तब कर दी जब उसने योगेश से बिना बताए और बिना पूछे 30 लाख की फॉर्चूनर रोहित को गिफ्ट कर दी। योगेश को जब इस बात का पता चला तो उसकी प्रियंका के साथ हाथापाई भी हो गई। इस झड़प के बाद प्रियंका ने योगेश को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। उसके बाद प्रियंका ने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसके सामने आने पर पुलिस भी हैरान रह गई थी। दरअसल पुलिस के छानबीन में ये पता चला कि अपने पति योगेश की हत्या प्रियंका ने अकेले ही नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड रोहित के साथ मिलकर की थी। यहाँ तक कि उसने किराए के 2 कातिलों को पूरे 10 लाख की सुपारी भी दी थी। और फिर 27 मई को जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में कम नहीं था। 27 और 28 की रात को जब योगेश अपने कमरे में सोने चला जाता है और प्रियंका के बच्चे अपने कमरे में होते हैं, तभी प्रियंका अपने घर में 2 किराए के कातिलों को घुसा लेती है। किराए के कातिलों के साथ प्रियंका का बॉयफ्रेंड रोहित भी वहाँ पर आ जाता है। चारों मिलकर योगेश के कमरे में चले जाते हैं जहाँ योगेश सो रहा होता है और वहाँ पहुंचकर वो तकिए से योगेश की सांसें रोक देते हैं। योगेश उसी समय मर जाता है। ये पक्का करने के बाद कि योगेश पूरी तरीके से मर चुका है, प्रियंका इन तीनों को अपने घर से चुपके से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सबसे पहले प्रियंका की बड़ी बेटी वहाँ पहुँच जाती है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसकी बड़ी बेटी कुछ समझ नहीं पाती। प्रियंका उसे पड़ोसियों को बुलाने के लिए कहती है। जब तक उसकी बड़ी बेटी पड़ोसियों को बुलाने जाती है, प्रियंका यहाँ एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। बट ये सब प्लान का एक हिस्सा होता है। योगेश की पहले ही मौत हो चुकी होती है। हॉस्पिटल पहुँचते ही योगेश को डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगले ही दिन जब योगेश के माता पिता सदमे में योगेश के अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं तो वो भी प्रियंका की एक्टिंग पर विश्वास कर लेते हैं और प्रियंका पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बहू के दबाव में आने पर बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन कत्ल के 8 महीने बाद कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स की बदौलत ये रहस्यमयी मौत का सच ऐसे सामने आएगा किसी ने नहीं सोचा था। यमुनानगर के करोड़पति बिजनेसमैन योगेश बत्रा के हत्याकांड में यमुनानगर जिला अदालत ने उनकी धर्मपत्नी प्रियंका बत्रा, आशिक रोहित एवं 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर सतीश और श्याम सुंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 4 साल तक चले इस केस में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए। आखिरकार 25 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद और सरकमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने चारों हत्या आरोपियों को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुना डाली। कोर्ट ने प्रियंका सहित अन्य दोषियों को 60,000 रुपये जुर्माना किया है।